नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। बसपाइयों ने मुंबई में मनाया बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, श्रद्धा सुमन अर्पित। खबर मुंबई के बांद्रा पूर्व का है, जहां पर भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। श्रद्धा सुमन अर्पित किया दिनांक 15/1/2023 को मुंबई के बसपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेज प्रोग्राम के साथ समस्त पदाधिकारियों ने बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घ आयु की मंगल कामना करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस जन्मदिन महोत्सव कार्यक्रम में बसपा मुंबई अध्यक्ष प्रवीण धोते, विधानसभा अध्यक्ष श्याम टेकाले, विधानसभा प्रभारी दीपेश कसारे, विधानसभा उपाध्यक्ष विशाल गमरे, विधानसभा महासचिव विलास कफे, कोषाध्यक्ष राहुल कापड़े, सचिव स्वप्निल तागड़े, सचिव रंजीत जयसवार, सचिव राकेश जयसवार, वार्ड सचिव कमलेश जयसवार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहकर जन्मदिन महोत्सव के कार्यक्रम को सफल बनाया। उत्तर प्रदेश से चलकर आए बसपा पदाधिकारी चंद्रबली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बसपा एक ऐसी सरकार है जो बहुजन शोषित दुबे कचले समाज के हित का कार्य करती है। राष्ट्रीय संवाददाता राजकुमार कोरी की खास रिपोर्ट। विमा तुझा मताचे जर पाच लोक असते, विमा तुझा मताचे जर पाच लोक असते, तर आज आपल्या समाजात कधीच कोणी फुटले नसते। सगळे एक मताने असते आणि त्या दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर सगळ्यांनी आपापले पाय रोवले असते।